जेडीज किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक करने के लिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे गुजराती दाल ढोकड़ी, खट्टी मीठी दाल ढोकड़ी। इस फुल मील डिश में कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे और इसे खूबसूरत बनाएंगे, डिलीशियस बनाएंगे। सबसे पहले एक बाउल में 1/3 कप तूर की दाल लेंगे, अरहर की दाल लेंगे और इस तूर की दाल में पानी डालकर अच्छी तरह से धोएंगे। जब तक हमारा पानी साफ नहीं दिखता तब तक पानी बदल बदल कर धोएंगे। देखिए, दाल को हमने पानी से धो लिया है। अब इस दाल को प्रेशर कुक कर लेंगे। पालक को हमने ब्लांच करके उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये करीब 3 टेबलस्पून पालक की प्यूरी है और ये बीटरूट को प्रेशर कुक करके उसका भी एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है जो करीब 3 टेबलस्पून है। अब गुजराती दाल ढोकले के लिए हमें चाहिए 1/3 कप बेसन और बेसन से डबल गेहूं का आटा लेंगे। ये 1/3 कप एक बार और 1/3 कप दूसरी बार। इतने आटे से ढोकड़ी के लिए 3 चपातियाँ बनेगी। स्वादानुसार नमक डालेंगे और ढेर सारा प्यार। 1 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस आटे को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। 3 समान हिस्सों में बांटेंगे। 3 कलर के लिए 3 हिस्से लीजिए। हमने 3 हिस्से कर लिए हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे येलो कलर के लिए, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और आखिर में 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर नरम आटा लगा लेंगे। रोटी के आटे के जैसा नरम आटा गूंद लेंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मस लेंगे। देखिए, हमारा सॉफ्ट ढोकड़ी का आटा तैयार है। इसी तरह से पालक की प्यूरी और बीटरूट की रेड प्यूरी से नरम आटा लगा लेंगे। 3 टेबलस्पून पालक की प्यूरी और 3 टेबलस्पून रेड बीटरूट की प्यूरी से नरम आटा लगा लेंगे। आखिर में 1/2 टीस्पून ऑयल डालकर मसल लेंगे और लीजिए, हमारे कलरफुल और ब्यूटीफुल ढोकड़ी के लिए पेड़े तैयार है। इसे गेहूं के आटे में रगड़कर एक पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी रोटी तैयार हो गई। अब इस कुकी कटर को आटे में रगड़कर राउंड शेप की ढोकड़ी काट लेंगे। ढोकड़ी की साइज और शेप आप अपनी पसंद का रखिए। शेप चाहे स्क्वायर हो या डायमंड, आपको अच्छा लगना चाहिए। लाल, हरी और पीली दाल ढोकड़ी कितनी अच्छी दिखती है। इसे कपड़े से कवर करके साइड में रख देंगे। देवी और सज्जनों, अब बनाएंगे गुजराती दाल। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे। दोस्तों, ये आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। सिनेमन का छोटा सा टुकड़ा। लौंग डालेंगे 4-5 और 1/2 टीस्पून हींग डालकर मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देवी और सज्जनों, ये 2 टमाटर को ग्रेट कर लिया था उसे डालेंगे और तुरंत कवर कर लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालकर मिला लेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक डालेंगे स्वादानुसार। फिर से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन कलर और बेहतरीन खुशबू। ऑयल ग्रेवी से अलग होने लगा है। हमारी ग्रेवी तैयार है, पक चुकी है।
अब इसमें डालेंगे तूर की दाल, अरहर की दाल जिसको हमने प्रेशर कुकर के ग्राइंड कर लिया था, अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डालेंगे ताकि मनचाही कंसिस्टेंसी मिल सके। इस दाल को थोड़ी सी पतली ही रखेंगे, गुजराती दाल है, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी। करीब 2 टेबलस्पून गुड़ डालेंगे, जेगरी डालेंगे और मिला लेंगे। कवर करेंगे और पकाएंगे। खटास के लिए 1 नींबू का रस डालकर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। करीब 3 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे जिसको हमने बॉईल करके रखा था। देवी और सज्जनों, ये है दाल की कंसिस्टेंसी। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहते हो, गर्म पानी थोड़ा ऐड करें। हमारी दाल उबल रही है, तैयार है। अब इसमें कलरफुल ढोकड़ी डालेंगे, रेड येलो और ग्रीन कलर की ढोकड़ी डालेंगे और हल्का सा चला लेंगे ताकि हमारी ढोकड़ी चिपके नहीं। अब इस ढोकड़ी को कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे और 8 मिनट के बाद हमारी कलरफुल दाल ढोकड़ी सांस लेने के लिए ऊपर आ चुकी है। हमारी स्वादिष्ट दाल ढोकड़ी तैयार है। अब इस दाल में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल लिया है। इस ऑयल में डालेंगे 6-7 करी पत्ते, 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालकर तड़का तैयार करेंगे। अब इस तड़के को दाल ढोकड़ी में डालकर कवर कर लेंगे। आखिर में 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों, हमारी कलरफुल और डिलीशियस गुजराती दाल ढोकड़ी तैयार है। आप इसे चावल के साथ सर्व करें या इस 1 पॉट मील को ऐसे ही एंजॉय करें। देवियों और सज्जनों, आप इस खट्टी मीठी रंग बिरंगी दाल ढोकड़ी को जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स जरूर करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मज़ेदार हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। नमस्कार।